रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है। गेट खोलो। गरीबी का कारण गरीब नहीं, इस घर में कोई। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं, तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है, और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए IAS अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं, तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं।
वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद
जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं जहाँ पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय
और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है।
परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं।
जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं। जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है, अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं। जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है,
अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए IAS अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर PM और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए IAS अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक,
जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है, जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं, तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है।
सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहाँ पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी
सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान
का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी
अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना
वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ।
इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय
का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं।
रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर PM और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए IAS अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह
जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहाँ पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं। जहाँ पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है
जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया।
सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कह रहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और
यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद नेताओं वरिष्ठ अधिकारियों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है,
सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प कोई तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है। अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि
तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं। जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है, अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं। जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है, अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंगी के ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है
और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है, क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमन को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन का को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक एलआईएस अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में
काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है। इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है, जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है, जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है।
इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है, क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं, जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत करता है अमन और उसकी टीम को छापे को रोकने के लिए अनुरोध की ढंग के रूप में अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि एक लिखित आदेश पर दबाव डाल रहा है और इसी से छापेमारी रोकने के लिए आईएएस अधिकारी मीडिया तक पहुंच जाते हैं और सरकार की पूरी तरह से बदनामी भी कर रहे हैं। रेड मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर एक LIS अधिकारी अमन पटनायक, जो कि अजय देवगन अभिनय कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी उनके ऊपर आधारित है, जिसे हाल ही में लखनऊ में आयकर के एक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वह अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्हें रामेश्वर सिंह, जो कि काले धन को जमा कर रहे हैं, इसकी गुमनाम जानकारी मिलती है। सीतागढ़ का वह डॉन है जिसने लंबे समय तक इनकम टैक्स आयकर की चोरी कर रखी है, इसलिए अमय और उसकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना होने का फैसला करते हैं। वह उन्हें उनकी टीम को रामेश्वर में बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदर्शों और अखंडता के ऊपर कायम रहते हैं। वह बिना किसी सफलता के काले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ की
की तलाशी लेने की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ घंटों की खोज के बाद जब सारी आशा खो देते हैं तो फिर से उन्हें एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नक्शा दिया गया है जिसमें घर में बड़े पैमाने पर रखे हुए पैसों के बारे में और उसके स्थान का खुलासा होता है। अमय और उसकी टीम यह पत्र पाकर खुश होती है क्योंकि उन्हें उस घर में कोई भी सामग्री नहीं मिलती है। अब अमय और उसकी टीम ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए दीवारों, छतों तथा सीढ़ियों और पुराने स्टोर रूम को भी तोड़कर गिरा दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आयकर अधिकारी अमर को घर छोड़ने के लिए वह बार बार कहते हैं, बट वह भी उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जाकर मिलता है जो किसी भी मदद से उसका इनकार करता है क्योंकि उसका यह कहना है क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और यह जो छापे हो रहे हैं वह पूरी तरह से कानूनी है और इस कानूनी प्रक्रिया में उसका कोई भी हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमन को बुलाने के लिए राजी किया जाता है परंतु लेकिन वह इस बात से पूरी तरह मना कर देता है। एक अथक रामेश्वर कई सांसद, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी जाकर मिलकर आता है, सभी से गुहार लगाता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वह अपने राजनीतिक समर्थन के लिए रैलियां करते हैं और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की तक धमकी दे देते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होते। लगातार तीसरी रात छापेमारी जारी रहने पर पीएम और रामेश्वर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने अमय को फ़ोन किया और यह कहा कि तुम कुछ अन्य कानूनी विकल्प को तलाश करो। अमय का अनुपालन करने के लिए सहमत होते हैं जब तक कि वह फैक्स के माध्यम से एक हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत कर